नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं ACNDC। दोस्तों, अगर आपके घर में है कोई ऐसा होम थिएटर जिसमें रिमोट, ब्लूटूथ और USB की फैसिलिटी नहीं है, तो आप इन सभी फैसिलिटी को उसमें ऐड कर सकते हैं सिर्फ 350 रुपए खर्च करके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप बड़े ही आसानी से ब्लूटूथ, USB और रिमोट की फैसिलिटी को आप खुद से ऐड कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका रिमोट किट। ये इस रिमोट के साथ आपको मिलता है करीबन 200 से 250 रुपए का। वो आपके मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपको 200 से 250 के बीच ये आपको मिल जाएगा। ये है ब्लूटूथ, इसमें आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी भी है, इसमें USB और इसमें डायरेक्ट भी आप अपने माइक्रो SD कार्ड को भी आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको जरूरत होता है एक ऑडियो कनेक्टर का, जो आपके होम थिएटर से जो ये केबल आ रही है, इससे आप इस ऑडियो केबल कनेक्टर के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ये कनेक्टर लेने की जरूरत होगी। ये करीबन 10 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ आपको एक जरूरत होगा 7805 नंबर का एक ट्रांजिस्टर, और दोस्तों इसके साथ आपको जरूरत होगा एक किसी भी मोबाइल चार्जर, जो भी मोबाइल चार्जर आपके पास है उस मोबाइल चार्जर के पिन के साइज का आपको एक कनेक्टर लेना होगा, चाहे वो नोकिया की पतली पिन वाली साइज अगर आपके पास चार्जर है तो आप उस साइज का ले, और अगर आपके पास माइक्रो USB वाला चार्जर है, मोबाइल चार्जर, तो आप वो भी ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम इस सभी को एक प्लास्टिक के बॉक्स में, इस प्लास्टिक को बॉक्स को मैंने इस ब्लूटूथ किट के साइज से काट दिया है और इसमें हम इसे शिफ्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, इस ब्लूटूथ किट के पीछे से दो वायर बाहर निकले हुए हैं। एक के साथ है दो वायर और एक के साथ है ये तीन तार जो है इसको हम ऑडियो वाले कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो दो वायर है इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू हम अपने मोबाइल चार्जर वाले कनेक्टर के साथ इसे कनेक्ट। देख सकते हैं ये दो वायर जो आया है मेरे इस किट से, एक वायर पे पॉजिटिव का सिंबल है और एक पे निगेटिव का सिंबल है। तो दोस्तों, इसकी कनेक्शन में आपको ट्रांजिस्टर के थ्रू अपने मोबाइल चार्जर के कनेक्टर के साथ करके दिखाता हूँ। और साथ में है ये तीन वायर, आप देख सकते हैं कि ये एक वायर है जिसके ऊपर लंबी धारी के साथ ये एक पतला सा रेड कलर का डॉट दिख रहा है, और एक वायर पे पतली पतली डॉट्स लगी हुई हैं। तो दोस्तों, पहले हम इन दोनों वायर को अपने कनेक्टर के दोनों साइड वाले पिन पे सोल्ड कर देते हैं, कोई किसी पे भी हो सकती है। और दोस्तों, ये तीसरा वायर जो आप देख रहे हैं जिसपे लंबी लंबी धारियां लगी हुई है, इसको हम इस ऑडियो कनेक्टर के बीच वाले पॉइंट पे सोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के बीच वाले पोल में इस चार्जर वाले कनेक्टर के निगेटिव वाले वायर को और इस ऑडियो किट वाले किट से जो निकली हुई है इसके निगेटिव वाले वायर को हम इसके बीच वाले पोल पे सोल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद जो ये मेरा पॉजिटिव वाला वायर आया है, इसे हम दाएं साइड वाले पोल पे, दोस्तों चलिए हम आपको फाइनल कनेक्शन दिखा देते हैं। दोस्तों, ये आपका ब्लूटूथ किट, इसके साथ जो ये तीन के वायर निकली हैं, जिसमें ऑडियो कनेक्टर को हम कनेक्ट किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक में लंबी लंबी धारियों के साथ पतला डॉट लगा हुआ है, वो इस किनारे में मैंने जोड़ा है, बीच वाले वायर को इस किनारे में जिसमें पतली पतली डॉट्स लगी हुई हैं, और ये आखिर एक लंबी पट्टी के साथ एक छोटी सी पट्टी जो लगी हुई है, इसको मैंने सामने वाले इस ऑडियो कनेक्टर के पिन के साथ मैंने इसे जोड़ दिया है। दोस्तों, अब देखिए, इसमें ये पावर के लिए जो मैंने ये मोबाइल चार्जर का यूज करता हूँ, ये उसका कनेक्टर है।
इस कनेक्टर के एक निगेटिव वायर को, और जैसा कि आप इस किट में देख सकते हैं, एक वायर पे प्लस प्लस का सिंबल आ रहा है, एक पे माइनस माइनस का। तो ये निगेटिव वाला वायर को और ये ऑडियो पावर केबल कनेक्टर जो है, इसके एक वायर को, निगेटिव दोनों को मैंने ट्रांजिस्टर के बीच वाले पोर्ट पे जोड़ दिया है, और मेरा जो यहाँ से पावर आ रहा है इसके पॉजिटिव को मैंने ट्रांजिस्टर के बाएं हिस्से वाले पोल पे सोल्ड कर दिया है, और दाएं वाले हिस्से पे इस ब्लूटूथ किट से पॉजिटिव वाले वायर जो आई हुई है उसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा फाइनल कनेक्शन हो गया। अब हम इसे अपने डब्बे में फिट कर लेते हैं। दोस्तों ये है मेरा डब्बा जिसमें मैं इस ब्लूटूथ किट को फिट करने वाला हूँ। दोस्तों मैं इसे इसमें चिपकाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप ग्लू गन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने ग्लू गन के बारे में बताया है कि आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो इसकी जगह आप किसी और भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे यहाँ पे चिपका दिया। ये किट पूरी तरह से इसमें अब चिपक गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा रिमोट किट जो है अपने बॉक्स में लग चुका है। यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर को ग्लू गन की मदद से चिपकाया, यहाँ पे पावर कनेक्टर को, और यहाँ पे ऑडियो वाले कनेक्टर को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं बॉक्स को बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको जो भी मोबाइल चार्जर है आपके पास, आप उसके सहारे आप इसे यहाँ पे इसमें पावर कनेक्ट करें, और अपने होम थिएटर के ऑडियो वाले केबल को आप यहाँ पे कनेक्ट करें। दोस्तों अब हम इसमें पावर को कनेक्ट करते हैं। यह है मेरा मोबाइल चार्जर, यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ पे मैंने होम थिएटर वाले केबल को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हम इसमें पावर ऑन कर देते हैं और अपने होम थिएटर में भी पावर को ऑन कर देते हैं। दोस्तों अभी ये आपको FM मोड में दिख रहा है, मेरे यहाँ FM का उतना अच्छा सिग्नल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी FM चैनल प्ले नहीं हो पा रही है। इसके साथ हमें मिला है रिमोट। इसके बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक की थैली लगी होती है छोटी सी, उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब ये मेरा रिमोट कंट्रोल वर्क करने के लिए रेडी है। यहाँ से आप इसके पावर को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोड का ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपके रिमोट कंट्रोल में एक मोड का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं मोड। यहाँ से आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं, ये FM का मोड है। इसके बाद ये ऑक्स मोड है, आप यहाँ पे ऑक्स लीड लगा के आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से या किसी अदर डिवाइस से। इसके बाद दोस्तों अगर हम फिर से मोड वाले बटन को प्रेस करते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है BT यानी कि ब्लूटूथ। तो दोस्तों हम अपने फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सेटिंग में चलते हैं, फिर ब्लूटूथ में, फिर ब्लूटूथ को हम ऑन कर देते हैं। ब्लूटूथ ऑन करते ही आपको सर्च कर रहा है ये मेरे ब्लूटूथ डिवाइस को, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मेरा ये शो कर रहा है, उसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा फोन मेरे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है।
देख सकते हैं ये मेरा ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है, इसे मैं यहाँ से पॉज भी कर रहा हूँ, प्ले भी कर रहा हूँ, ये मेरे इसी फोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है। अब दोस्तों आप इसमें रिमोट को किस तरह वर्क में ले सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आपको अपने सिस्टम का साउंड कम करना है तो आप वॉल्यूम माइनस पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं 36, 35, 34, 33 इस तरह से आप इसकी साउंड को भी घटा और बढ़ा सकते हैं अपने रिमोट कंट्रोल से। अगर आपको कोई अचानक सा काम है तो आप इसे म्यूट भी यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं, अपने रिमोट से आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप रिमोट से इसके यूएसबी या माइक्रो एसडी कार्ड को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, यहां से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसे ऑफ करते हैं उस कंडीशन में आपका होम थिएटर ऑफ नहीं होगा, उसे ऑन अगर आप रिमोटली ऑफ करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था रिमोट कंट्रोल से फैन और लाइट को किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप लाइट वाले केबिल में आप अपने होम थिएटर को कनेक्ट कर लें, उससे आप उसे भी रिमोट से ऑफ ऑन कर सकेंगे और अपने इस सिस्टम को आप रिमोट से बड़े ही आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। अभी दोस्तों ये मेरा एफएम मोड है, मैं इसके मोड को चेंज कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम मैं कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम मैं बढ़ा सकता हूँ इससे। अगर आपका इसमें यूएसबी लगा है तो आप गाने को भी नेक्स्ट कर सकते हैं और बाकी फंक्शन आप देख के यूज करें। इसमें आप इक्विलाइजर का भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। आप इको साउंड का भी मजा ले सकेंगे इस ब्लूटूथ किट और रिमोट की मदद से। दोस्तों चलिए हम इसे बंद कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने सीखा कि अपने होम थिएटर में किस तरह रिमोट, यूएसबी और ब्लूटूथ की फैसिलिटी को आप एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल वाले ऑप्शन को एक्टिव कर लें, इससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।